ड्यूशियन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी काफ़ी डेडली डिसऑर्डर है और इसमें इवन 14 से 19 साल के बीच में बच्चे गड़बड़ भी कर जाते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए अभी तक इलाज कोई नहीं आया है, कोई फुल प्रूफ ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन हम लोगों ने मेसेनकाइमल स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन शुरू किया है और लास्ट मंथ में इस बच्चे को पहला सेशन दिया गया था और इसकी मसल बायोप्सी भी की गई थी और मसल बायोप्सी में भी अप्रूव हुआ कि ही इज़ ए केस ऑफ ड्यूशियन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। और इनके यहाँ पर ताऊ जी हैं, मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि वैसे तो अभी समय बहुत कम है उसका इम्प्रूवमेंट असेसमेंट करने के लिए, मिनिमम 2 से 3 महीना चाहिए किसी भी ट्रांसप्लांट का रिजल्ट आने के लिए, लेकिन अभी 1 महीना हुआ, 1 महीने में अगर इनको कोई परिवर्तन लगता है तो ये हमको बताएं। आज तो इसमें फर्क लग रहा है लेकिन थोड़ा स्टेबल है वहीं पे जहाँ था मतलब। अच्छा, पॉइंट कुछ परसेंट बोल सकते हैं। अच्छा, इनका कहने का मतलब ये है कि चूंकि ये बच्चा 15% पर ईयर के हिसाब से डटरेट कर रहा था, उसकी मसल पावर हर साल 15% गिर रही थी, तो जो इन्होंने पहले हिस्ट्री दी थी वो स्टेबलाइज हो गई है, वो मसल पावर गिरने की बजाय अभी रुक गई है, हालांकि इम्प्रूवमेंट बहुत अप्रिशिएबल नहीं है, ये इनको मिनिमम लगता है और हम लोगों को इससे ज़्यादा इसकी आशा भी नहीं करनी चाहिए इतनी जल्दी, क्योंकि ये कोई मेडिसिन नहीं है और ये एक रीजनरेशन, टिश्यू रीजनरेशन टेक्निक है जिसमें सेल्स जाके ग्रो करती हैं और आगे बढ़ती हैं, उसके बाद ही वो अपना रिजल्ट्स दिखाएंगी। तो नॉर्मली ये 3 महीने के बाद अप्रिशिएबल चेंजेस होने चाहिए। और कोई नई तकलीफ तो नहीं बच्चे को आई है 1 महीने के अंदर? बच्चे को कोई नई तकलीफ डेवलप नहीं हुई है और जो मसल पावर गिर रही थी वो अपनी जगह पर रुक गई है।